एनाटिकल केमिस्ट्री एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इस नए मॉडूल में हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे वी विल आल्सो डिस्कस क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ क्वालिटी इश्योरेंस एंड वी विल स्लाइड विद क्वालिटी वट इज़ एक्चुअली क्वालिटी क्वालिटी इज समट्रीब्यूट्स एंड करेक्ट्रिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ वो तमाम की तमाम एट्रीब्यूट्स जो किसी प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करती हैं उसे हम क्वालिटी कहते हैं क्वालिटी को और भी मुख्तलिफ डेफिनेशन से याद किया जाता है जैसे फिटनेस फॉर पर्पस, टोटेलिटी ऑफ फीचर या कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट ये एक टेमनोलॉजी है जिसे आप बार बार इस्तेमाल करेंगे कन्फार्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स एंड लास्ट बतना लीस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिसे हम क्वालिटी रिप्रजेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलफ फंक्शनस को हम डिस्कस कर सकते हैं जैसे प्रोडक्शन है या सेल्स है या प्रोक्योरमेंट यानी रॉ मटेरियल की परचेज़ है मशीनरी की परचेज़ है या पैकिंग मटेरियल की परचेज़ है तो प्रोक्योरमेंट अगर क्वालिटी की होगी तो यकिन आप प्रोड्यूस भी क्वालिटी का करेंगे अगर क्वालिटी प्रोडक्शन को आप सामने रखेंगे तो एक अच्छी चीज़ बना सकेंगे और क्वालिटी सेल्स ये भी आज कल एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है यानी सेल्स में भी हम क्वालिटी का ख्याल रखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एक और सेगमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन में बरह रस्त चीफ़ एग्जेक्टिव या चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर या डायरेक्टर ऑपरेशन के जैल में आता है क्वालिटी एश्योरेंस किसी एक प्रोडक्शन या सेल्स के जैल में नहीं है बल्कि एट पार विद कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस वी कैन इम्प्रूव और सेल्स वी कैन इम्प्रूव और प्रोडक्शन प्रोडक्शन के जैल में इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल लैब्स मौजूद होती हैं लेकिन उन प्रोडक्शन लैब्स को भी क्वालिटी एश्योरेंस इंडिपेंडेंटली डील करता है ये स्लाइड क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का आपस का रिलेशन समझाने के लिए है क्वालिटी कंट्रोल इज़ ए पार्ट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली टेस्टिंग से ताल्लुक़ रखता है यानी आप सर्विसेज के ज़रिए आप मुख्तफ़ पैरामीटर्स को जज करके एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करते हैं लेकिन क्वालिटी इश्योरेंस जहाँ सेल्स के साथ इन टच होगा वहाँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी काम करेगा यानी नई प्रोडक्ट्स जो मार्केट के रिक्वायर्ड हैं उनको बनाएगा जहाँ प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी इंश्योरेंस का ताल्लुक होगा तो प्रोडक्शन में आने वाले मसाइल को हल करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करेगा और इन सब को क्वालिटी मैनेजर डील कर रहा है जो बरह रास्त सी ओ या चीफ़ एग्जिव ऑफिसर को जवाब दे है इन ग्लांस अगर हम देखें तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब एक इंटरनल व्यू है यानी हम एक इंटरनली प्रोडक्ट को जज करना चाह रहे हैं एवरीबॉडी इन द शॉप यानी हर बंदा अपनी अपनी जगह पर क्वालिटी प्रोडक्ट देने का या क्वालिटी स्टेप्स उठाने का रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह ड्यूरिंग एन इंटरनल ऑडिट जो फैक्ट्री के या किसी लैब्स के इंटरनली हम ऑडिट करते हैं तो उसको क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं कैचिंग एरर से मुराद के हम करेक्टिव एक्शंस के लिए जब एक गलती हो जाए तो गलती को ठीक करने के लिए जो काम करते हैं उसे क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं और बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ज़ फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट जबकि एक बिगर सिनेरियो में क्वालिटी इंश्योरेंस एक एक्सटर्नल व्यू है यानी ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे देखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज़ वो क्वालिटी इंश्योरेंस के ज्याल में आती हैं जहाँ एवरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल था इन क्वालिटी कंट्रोल तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसे हम इंडिपेंडेंट ऑडिट्स भी कह सकते हैं वो भी क्वालिटी इंश्योरेंस या एक बंदा जो प्रोडक्शन से ताल्लुक़ नहीं रखता वो अपने व्यूज़ को शेयर करता है क्वालिटी एश्योरेंस में कैन बी आफ्टर द ऑडिट यानी सिर्फ ऑडिट के दरम्यान आने वाली फाइंडिंग्स ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको भी मॉनिटर करना क्वालिटी एश्योरेंस है सिर्फ करेक्टिव एक्शन ही नहीं बल्कि प्रिवेंटिव एक्शन यानी गलती होने ही ना पाए कॉन्फिडेंस अबाउट द एरर्स इसको भी हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं और फोकस्ड ऑन ए प्रोसेस नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट तो क्वालिटी एश्योरेंस एक बिगर सिनेरियो है क्वालिटी कंट्रोल हम सिर्फ टेस्टिंग या मॉनिटरिंग को कहते हैं इस डिस्कशन के बाद अगर हम क्वालिटी की सिर्फ डेफिनेशन करें तो हम समझ सकते हैं क्वालिटी इज़ ए ब्लेंड ऑफ फिटनेस फॉर पर्पस एडिक्यसी ऑफ फंक्शनिंग एंड रिलायबिलिटी फॉर द प्राइस पेड यानी कस्टमर जिस चीज़ की कीमत अदा कर रहा है जब उसको अपने मतलब की चीज़ मिलेगी तो इसे हम क्वालिटी कहते हैं इस तरह डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो उस क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए जिसे हम टुटेलिटी ऑफ फ़ीचर कहते हैं आजकल आपके सामने है कि मुख्तल प्रोडक्शन हाउसेस पे जब पंजाब फूड अथॉरिटी को रेड करती है तो बेसिकली हो सकता है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट पर तो पूरी उतर रही हो लेकिन टुटालिटी ऑफ फीचर्स में उसका सिनेरियो उसके पर्सनैल उसका एनवायरमेंट साथ नहीं दे रहा या क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा इसलिए क्वालिटी उस टोटल फीचर्स की बात कर रही है